आईपीएल की जो जिसमें जो टीम जीती है उसको कितने पैसे मिलते हैं, जो टीम जीती है उसको मिलते हैं 20 करोड़ इंडियन, 20 करोड़ इंडियन मिलते हैं। अगर उन 20 करोड़ को मैं पाकिस्तान में कन्वर्ट, पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो वो 65 करोड़ बनते हैं, 65 करोड़ रुपया बनता है वो। हमारे पीएसएल 10 पीएसएल हो जाते हैं इसमें। भाई दो दो आईपीएल एक साल में, तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो, हाँ। फिर T20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो, फिर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराने की जरूरत ही क्या है। जिस तरीके से आईपीएल की हाइप निकल रही है, हमारे बोर्ड ने बोला कि हम अगले साल आईपीएल को टक्कर देंगे। आपको लगता है कि सिंस पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस स्टेज पर आ गई है कि किसी भी इंटरनेशनल लीग को जो कम्पीट कर सके? आईपीएल ही है जो स्टैंड आउट करती है, और वो बिल्कुल अपनी जो कह लें कि फाइनेंशियल मसला है उसकी वजह से स्टैंड आउट करती है। पीएसएल की रेटिंग ज्यादा आ गई है तो पीएसएल बेस्ट है, तो ये है पीएसएल, इसके अलावा पीएसएल कुछ भी नहीं है। बाबर आजम कराची में खेल रहे हैं, स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं कराची में, और कराची नहीं देख रहा, तो ये बड़ी ही अलमिया वाली बात है कि एम्प्टी ग्राउंड्स, पीएसएल के प्लेऑफ्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया आईपीएल को देखती है, आपने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में दो मरतबा आईपीएल कराएं, साल में दो मरतबा। अगर साल में दो मरतबा कराएंगे, और जिस तरह उन्होंने आईसीसी को कहा था, आईसीसी ने, काफी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल सीरीज नहीं रखी आईपीएल की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर जो थे वो वहाँ बिजी। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थके प्लेयर है ना, वो पीएसएल में आते हैं। पीएसएल को जो कहते हैं ना कि बड़ी लेवल की लीग है, जो घंटे कहते हैं, जो घंटे जिसमें वो घंटा खुद भी खेलता है ना, और जो बकवास करता है ना बैठ के, पीएसएल ये है तो पीएसएल वो है, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ। आईपीएल का मुकाबला करना है तो मुल्क को गिरवी रखवाना है। सेकंड और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लीग इन द वर्ल्ड आईपीएल नाउ, ओवरऑल स्पोर्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई, 26,000 करोड़ हर हाल में। नहीं नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। क्या होता है, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में, और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़, 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स गए। तुम लोग इतने शहर नहीं है जिनकी इतनी टीमें हैं। ये हो नहीं सकती, ये साल में दो नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता, इनकी आईपीएल ऑलमोस्ट 2 महीने की तो आईपीएल होती है। दो प्लेयर खरीदेंगे आप, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और मुल्क दिवालिया हो जाएगा, पहले ही होने वाला है आपकी हरकतों की वजह से। और फिर आप बात करते हैं, चलो भाई चले, वो एक सिंपथी कोटे में आ भी जाते हैं पीएसएल खेलने, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि भारत में हो रहे आईपीएल दोस्तों कितना ज्यादा कमाई कर रहा है इस टाइम पे, और दोस्तों आईपीएल वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे पॉपुलर गेमों में से एक हो चुका है, और दोस्तों आईपीएल की कमाई से दोस्तों भारत की जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, और कुछ लोग इसे पीएसएल से कंपेयर कर रहे हैं। और दोस्तों जो कंपेयर कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आईपीएल के एक दिन के में जितना पैसा कमाया जाता है दोस्तों, उतने में तो पूरा पीएसएल हो जाएगा, और पाकिस्तानी लोग इसकी कंपेरिजन पीएसएल से कर रहे हैं आईपीएल के, जबकि आईपीएल इतना ज़्यादा पॉपुलर है, उसका एक प्लेयर 23 करोड़ में मिचेल स्टार्क खरीदा गया है, इसने में तो पता नहीं कितने सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर आ जाएंगे। और दोस्तों अभी सुनने में आ रहा है कि अगर आईपीएल को साल में 2 बार कर दिया जाए तो आईपीएल की पॉपुलरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और देश में और भी ज़्यादा कमाई होने लग जाएगी, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को भी आईपीएल में आना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान के लोगों को भी आईपीएल में खेलना चाहिए कि नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। देखा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ पीएसएल क्या। देखे आईपीएल की जो जिसमें जो टीम जीती है उसको कितने पैसे मिलते हैं, जो टीम जीती है उसको मिलते हैं 20 करोड़ इंडियन, 20 करोड़ इंडियन मिलते हैं। अगर उन 20 करोड़ को मैं पाकिस्तान में कन्वर्ट, पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो वो 65 करोड़ बनते हैं, 65 करोड़ रुपया बनता है वो। हमारे पीएसएल 10 पीएसएल हो जाते हैं इसमें, घंटे 10 पीएसएल सर 65 करोड़ में मैं करवा के दूंगा, हो जाते हैं इजीली, मतलब 65 करोड़ पे आप पाकिस्तानी एक आईपीएल जीतने वाली टीम को मिलता है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं ना कि पीएसएल जीतने वाली टीम को कितने पैसे मिलते हैं, 3.4 करोड़ पीकेआर, 3.4 करोड़ पीकेआर। अगर इनको मैं इंडियन में कन्वर्ट करूं ना तो वो कोई 1 करोड़ कुछ बनता है, बस 1 करोड़ भी नहीं बनता, लाखों में बात चली जाती है सर, लाखों में बात। पीएसएल मैं भी देख रहा था, पीएसएल की जो प्राइज मनी है जो जीतने वाली टीम को मिलते हैं, वो बिग बैश, वो सीपीएल, वो दी 100, कुछ सबसे एंड पे आ रही है पीएसएल। तो बकवास के बगैरत के बच्चों किस तरह बकवास कर सकते हो बैठ के, जी पीएसएल बेस्ट है और पीएसएल ये है, पीएसएल वो है। मुझे एक बात बता दो, कब आपने पीएसएल किस तरह का टैलेंट निकाला जिसने इंटरनेशनल पे सतह पे जाके अच्छी क्रिकेट खेली हो या पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो? भाईजान इंडिया में मैं आईपीएल के आपको हजारों बंदे इस तरह के गिनवा सकता हूँ जो आए रोज परफॉर्मेंस देते रहते हैं। मुझे बता दो जितने भी प्लेयर हैं, अच्छा बात आ जाती है, आप पीएसएल करवाते हो,
कितने को प्लेयर ड्राफ्ट में होते हैं, कितने को प्लेयर ड्राफ्ट में होते हैं, कभी कोई प्लेयर हुआ ड्राफ्ट में? लोग जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर है ना, 70-80% बंदे उस टाइम में उस टेन्योर में फारग बैठे होते हैं घरों में, लेकिन वो अपना नाम आईपीएसएल में नहीं भेजते। उसकी वजह पता है क्या? उनको पता कि हमने एक दो माह जो डेढ़ माह वो जाया करना है, क्रिकेट अच्छी हमें मिलनी कोई नहीं, पैसे मिलने कोई नहीं। उसके बाद जो वो पी जब आईपीएल आता है तो वो अपने आप को खुद उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मोइन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो पिक हुआ था, उसने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया, उसने बोला जी मैं अपनी तवज्जो जो आईपीएल के ऊपर दूंगा। अब वो आईपीएल खेल रहा है, हैरी ब्रोक्स आपके सामने है, जोश लिटल जो आयरलैंड का फास्ट बॉलर है अभी वो गुजरात टाइटन की तरफ से खेल रहा है। ये बड़ी एग्जाम्पल है यार, जो पीएसएल को रिजेक्ट करके आईपीएल को उन्होंने प्रेफरेंस दिया है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। सैम करन 18 करोड़ में बिका है, वो पाकिस्तानी पता नहीं 50 करोड़ से ऊपर बनते हैं। ये सल हमारा आईपीएल को टक्कर दे पाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है? नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिक देखें कि इंडिया जो है ना वो अपने एक प्लेयर को 90 करोड़ तक बोली में लेके आता है, ठीक है, और आईपीएल में मेरे ख्याल से आई थिंक सो के मुश्किल से ढाई भी बाबर को मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बिल्कुल सही है सर, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? आईपीएल का मुकाबला करना है तो मुल्क को गिरवी रखवाना है, मतलब कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो, मतलब कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं, नहीं है। ये जो बातें करते हैं हम आईपीएल पीएसएल का कंपैरिजन करते हैं, नहीं सकता, नहीं हो सकता, बहुत बड़ी लीग है यार। देखो एक साथ से ज्यादा आने वाले टाइम में ना वो बिग बैश को टच कर रही है। सर बिग बैश को करगी करगी होगी शायद, करगी बीट करगी, दुनिया की पांचवी बड़ी लीग बन गई हुई है। तो इससे आप मुझे अंदाजा लगा के बताए ना कि पीएसएल टच कर सकता उसको? कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, बात ही रह जाएगी बस। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थके प्लेयर है ना वो पीएसएल में आते हैं। आईपीएल से बड़ी लीग, खुदा का नाम ले, किस मामले में कोई किसने बोला है? मतलब कि शायद उनसे बड़े प्लेयर्स भी लें, उनसे बड़ी टीमें भी बनाई, उनसे ज्यादा हर चीज ग्राउंड भी बड़ी हो, अल्लाह की शान है किसी ने बोला है तो। मतलब यार फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी अगर आप देख ले तो किस लिहाज से बनाएंगे? क्या आप कहते हैं कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को खरीद के ले आएंगे 25-25 करोड़ में? उनसे तो पूछ लो, पाकिस्तानी 25 करोड़ में आने के लिए रेडी भी है। जो आप 25 करोड़ बोल रहे हो, पाकिस्तानी जो है वो इंडियन जो है वो 8 करोड़ बनता है या 7 करोड़ बनता है, ठीक है। ऊपर से अगर आप इंडियन कीमत देने पे चले गए, ठीक है, दो प्लेयर खरीदेंगे आप मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और मुल्क दिवालिया हो जाएगा, पहले ही होने वाला है आपके हरकतों की वजह से। और फिर आप बात करते हैं, चलो भाई चले वो एक सिंपथी कोटे में आ भी जाते हैं पीएसएल खेलने, ठीक है। अच्छा। आप उस तरह के ग्राउंड्स बनाएंगे, ठीक है, आप चेन्नई जैसा ग्राउंड बनाएंगे, आप हैदराबाद जैसा ग्राउंड बनाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े जो वहाँ पे ग्राउंड है। क्योंकि पैसा तो आपके पास इतना नहीं है कि आप दो प्लेयर खरीद के ला सकें, ठीक है। आप मतलब इंडियन, फिर आप विराट कोहली को भी लेके आएंगे, फिर आप रोहित शर्मा को भी लेके आएंगे, आप जायसवाल भी लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? पूरा मुल्क बेच दें उनको और उनको कहें हमें ये दो तीन बंदे दे दो, वो राजी वो भी नहीं होंगे इस चीज़ पे। क्या लगता है हम आईपीएल से बड़ी लीग करवा सकते हैं? पागला नहीं करना करते, नहीं करवा सकते, नहीं कदी नहीं करा सकते। क्या रीजन है यार हम इसी बड़ी लीग क्यों नहीं करवा सकते? वजन सिंपल सी बात है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा है लेकिन पैसा है कि हम पैट कमिंस को खरीद सकते हैं इतना महंगा, हम मिचेल स्टार्क को खरीद सकते हैं इतना महंगा? देखें हमारे पास पैसा है लेकिन उस पैसे से हम अपनी किस्त दें या फिर इन लोगों को खरीदें, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आईपीएल की सारा कुछ खरीद लेंगे लेकिन नुकसान सारा पाकिस्तान का ही है तो लीग करवाने से फायदा नहीं होगा हमें? किसी पे कुछ पैसा नहीं लगाएगी, वहाँ पे कुछ खर्च नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने शौकों के लिए अपने लिए पैसा अपना जाया करेंगे बस। मतलब कि पीएसएल करवाना एक नुकसान होगा हमारा? पीएसएल करवा लें जितना मर्जी करवा लें, निज़ाम सारा धर्म भरम हुआ हुआ है, ठीक है, एजुकेशन का, कारोबार का, हर जगह इन्होंने रोड ब्लॉक हुई हुई है, खेड़े हुए हैं, महंगाई आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आपके जो मजदूर तबका है कारोबार कर रहे हैं लोग, जो सैलरियां लेते हैं जो कमाते हैं वो उनकी चीजें वो दिहाड़ी वो तनख्वाह वहाँ की वहाँ ही है। मतलब पीएसएल करवाने की बातें कर रहे हैं, ये मसलों को बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर चीज बढ़ रही है लेकिन किसी की आमदनी नहीं बढ़ रही। भाई जान देखें सिंपल सी बात है, अगर हम आईपीएल से बड़ी जो बातें की है क्या हम इस चीज से निकल के आईपीएल पीएसएल करवाने का सोच रहे हैं? और सर वो सारे शौक दी गल्ला नहीं लोगों के शौक ने जिन्ना को जिन्ना आंदा है उस हिसाब नाल अगे लाई जांदे ने लेकिन जेडे थलड़े ने बढ़ी जा रहे ने दिन ब दिन। हाँ जी गल अच्छा सर जी, सिंपल सी बात है, हम करवा सकते हैं लेकिन हम करवाएंगे नहीं। क्यों? अगर हम करवाते हैं तो हमारा जो बात कर रहे हैं क्या हम पीएसएल करवाने की बजाय इन चीजों में फोकस क्यों नहीं करते? देखें
आपका एक एक बंदा जो है चैंपियन ट्रॉफी जो है वो फरवरी में पाकिस्तान के अंदर स्केड्यूल है, सेम फरवरी के अंदर आप पीएसएल करवाते हैं अपना, ठीक है? आप कौन सी चीज पे कम्प्रोमाइज करेंगे? आप चैंपियन ट्रॉफी मतलब छोड़ेंगे? आप कहते हैं कि नहीं जी वो हमने इंडिया आए ही आए और हमने करानी करानी है, ठीक है? दूसरी तरफ आप फिर पीएसएल नहीं कराएंगे, पहले ही उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आप एक साल का पूरा पीएसएल स्किप करेंगे, पूरे साल का स्केड्यूल देखे ना, कहीं पे भी जगह नहीं आ रही, आईपीएल आ रहा है उसके आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और फिर चीजें चेंज हो रही है, मतलब इवन दिसंबर तक पूरा 2024 का दिसंबर जो है वो आप नहीं करा सकते।